गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सब यूनिट था वो हमने खत्म किया है। अब हमें इस सब यूनिट के न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सब यूनिट है बेटा, इसकी फॉर्मूलाएं पहले हम लिखेंगे, फिर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सब यूनिट सेकेंड है, तो इसमें जो फॉर्मूलाएं हैं पहले आप लोग फॉर्मूलाएं मैं साइड में बताता हूं बेटा, यहां से हम क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूलाएं, ठीक है बेटा। इसके फॉर्मूलाएं क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई, ये एक फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। और नोट में लिखना है बेटा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन रेज पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये फॉर्मूला में वैल्यू यूज करना है। इसके बाद बेटा थर्ड फॉर्मूला है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और टू एल है इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। तो फोर्थ है बेटा, फोर्थ है फॉर्मूला ये E एक्शन में मैं दो फॉर्मूलाएं बताऊंगा। एक है बेटा 2 इंटू पी इंटू आर, ये वाली फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, ये अलग है। या इस तरीके से लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर, ठीक है बेटा। अब पी आर यहां पर होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तब होता है जब आर फार फार ग्रेटर देन एल से नहीं होता है, ठीक है बेटा। इधर देखो, तो इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन एल, इसका मतलब फॉर शॉर्ट डायपोल अगर r फार फार ग्रेटर देन l से होता है तो e एक्शल बनेगा बेटा, e एक्शल बनता है फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन r क्यूब, ठीक है बेटा। इसी तरीके से सिक्स्थ, इक्वेटोरियल e क्यों लिखा मैंने शॉर्ट में, इक्वेटोरियल आप सबको पता है, ये फॉर्मूला बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी, ठीक है बेटा, ये याद रखना। नहीं, इसमें 2 नहीं होता है, इसमें पी होता है, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज पावर 3/2 होता है, ठीक है बेटा, याद रखा। लेकिन इधर सुनिए फिर से, यही सेवंथ, इफ R is far far greater than L, ये भी किसके लिए बेटा, for short dipole के लिए माना जाता है, short dipole, तो क्या आएगा E equatorial आएगा बेटा 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube, ठीक है बेटा। ये सेवंथ है, ये सेवंथ फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। फॉर्मूला नंबर 8 यहां पर बता रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 8 है ये, तो फॉर्मूला नंबर 8 है फॉर शॉर्ट डायपोल होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, रू ये पी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, नाइन्थ के लिए है टॉर्क,
पीई साइन थीटा, ठीक है बेटा, और टेंथ है। ये लिखना है आप लोगों को कॉपी पर ये सारे फॉर्मूलाए, ठीक है, ये सिर्फ देखना नहीं है और याद भी होनी चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सके। टेंथ, टेंथ है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी वाली है, इसको होता है माइनस पीई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है सारी आप लोगों को याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो हर किसी फॉर्मूला पर आप लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, तो एक एक करके जैसे पहले न्यूमेरिकल है, अभी मैं आपको वो समझाता हूं, देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को सेंड भी करता हूं न्यूमेरिकल्स, आप लोगों को भी सॉल्व करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है बेटा, ये जे डबल ई में भी आ सकती है बेटा, ये नीट में भी आ सकती है, और बेटा ये स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है, और ये सीबीएसई में भी आ सकता है। याद रखना बेटा, एक एक करके करेंगे तो हर किसी के लिए एंट्रेंस में जाना है तो न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले न्यूमेरिकल जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को करना भी पड़ेगा, क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा ऑब्जेक्टिव बेट, ऐसा एक नंबर की न्यूमेरिकल आती रहती है। देखिए हर कोई न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। फॉर्मूलाएं आपके पास दी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, आप लोगों को करना है। देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात है। किसकी बात है बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात। मान लीजिए दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। जो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। आपको तो पता है ये नीचे की तरफ होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बैलेंस। ये नीचे की तरफ आ रहा है, आपको बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ देना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, उधरी रुक जाए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है अंडर इट इज वेट, क्योंकि ये नीचे कितना शुरू होगा, हमें बताना है इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम नीचे से देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आए ताकि ये बैलेंस हो सके। इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देना पड़ेगा हमें क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ताकि इसको बैलेंस कर सके। नीचे ये है, नीचे क्या है बेटा? वेट। ऊपर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि ये क्या हो? बैलेंस। ये क्वेश्चन है, और हमें बताना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। इधर सुनो, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है बराबर, मैग्नीट्यूड में कह रहा हूं, माइनस होता है लेकिन मैग्नीट्यूड लेते हैं, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो वेट पे मुझे जरूरत पड़ेगा, शाबाश बेटा, वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 केजी हो गया मास भी। ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, तो हमें निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम लगाएंगे ताकि उसको बैलेंस हो जाए, ठीक है।
ये है क्वेश्चन। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बेहतर है दैट ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मास और ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो जो नीचे की तरफ इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फोर्स, ये तो डाउनवर्ड फोर्स है। ऊपर की तरफ जो होगा इट इज अपवर्ड फोर्स, ठीक है बेटा। इनबैलेंस, इनबैलेंस अपवर्ड फोर्स, इन बैलेंस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है बेटा। बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स जरूर किसके बराबर होना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स के। अच्छा अपवर्ड फोर्स हो गया, अपवर्ड फोर्स हो गया है क्या, अपवर्ड फोर्स ये आया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया क्यू इंटू ई, क्यू ई, मगर क्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू के बजाय क्या है बेटा यहां चार्ज कौन है इलेक्ट्रॉन, हो गया ई इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब हो गया एम इंटू जी, ठीक है बेटा। ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम जी इंटू डिवाइडेड बाय स्मॉल ई, ये नीचे जाएगा, ठीक है बेटा। मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, शाबाश फॉर्मूला लगा दीजिए 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31, ठीक है बेटा। तो जी, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है बेटा ई, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज होता है न्यूटन अपॉन कूलम, तो यहां पर न्यूटन पर कूलम्ब आएगा। ई इज इक्वल टू सिंपलीफाई करने पर ये आएगा बेटा 5.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। मगर आप लोग मुझे बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ, बेटा अपवर्ड होगा कि नीचे की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है बेटा। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, कर सकते हो ये न्यूमेरिकल। यहां पर बेटा एक स्क्रीनशॉट लेना है और आप लोगों को कॉपी पर लिखनी है न्यूमेरिकल, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूला ये पहले लिखनी है फिर न्यूमेरिकल शुरू करने हैं। यहां पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर आराम से लिख लीजिए, ठीक है बेटा। नाउ द न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इधर देख लीजिए बेटा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसा ही क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर टू, एक वाटर ड्रॉप है, यहां पहले न्यूमेरिकल लिखेंगे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। required to just support a water drop of mass 10 raise power minus 7 kg, ठीक है बेटा, 10 रेज पावर माइनस 7 केजी एंड हैविंग ए चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम।
बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने किया। हमने एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, अब किसको करना है बैलेंस? शाबाश बेटा, बैलेंस किसको करना है? वाटर ड्रॉप। अब क्या है बेटा, बैलेंस किसको करना है? वाटर ड्रॉप को। देखो, वाटर ड्रॉप को बैलेंस करना है। आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप लोग प्रोटॉन को बैलेंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल को बैलेंस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, पहले मैंने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कराया, अब मैं वाटर ड्रॉप को बैलेंस करा रहा हूं। आप लोग न्यूमेरिकल पेपर में आएगी, प्रोटॉन को बैलेंस करिए या किसी और पार्टिकल को बैलेंस कर दीजिए, ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है एंट्रेंस में, तो आप लोग जो बैलेंस वाला क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आएगी। बैलेंस वाले क्वेश्चन में शाबाश, सबसे पहले देखो बेटा, ये मान लीजिए ये है वाटर ड्रॉप, दिस इज वाटर ड्रॉप, ठीक है बेटा? वाटर ड्रॉप जो बैलेंस किया आप लोगों ने करना है, इसका मास वेट कहां की तरफ होगा? जरूर वर्टिकली डाउनवर्ड्स, W इज इक्वल टू एम जी। मास भी दिया है बेटा, मास दिया है, वो हम अभी लिखेंगे। और हमें इसको बैलेंस करना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे ताकि ये बैलेंस हो सके। इसका मतलब इसमें डाउनवर्ड फोर्स है और ऊपर लगाना है हमें अपवर्ड फोर्स। शाबाश बेटा, बराबर इसी तरीके से जैसे पहले किया था। अब आप लोग पहले आप लोग बता दीजिए, ठहरो यहां पर, मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूंगा। जितनी फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगी आज वो यहां पर है। अभी वाटर ड्रॉप को बैलेंस करना है। सॉल्यूशन में क्या है पहले, सबसे पहले बेटा मास, एम हियर, मास कितना है बेटा? 10^-7 kg। वाटर ड्रॉप का मास कितना लिया है? 10^-7 kg। और क्या दिया है बेटा? जी। न्यूमेरिकल पर्पजेस के लिए आप 10 भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जी अगर आप लोग 9.8 लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल पर्पजेस के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं बेटा, ताकि जल्दी आप कैलकुलेशन कर सके, तो ये भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल पर्पजेस के लिए। अगर नहीं लेना चाहते हो तो 9.8 भी ले सकते हैं। अच्छा, ये पता होना चाहिए। और चार्ज, मास, चार्ज कितना है? ई, इसका मतलब क्यों कितना है चार्ज? चार्ज कितना है बेटा? 1.6 × 10^-19 कूलम। ये तो सब दिया हुआ है। अच्छा, फिर से हम लिखेंगे वही, इन बैलेंस शाबाश बेटा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रोटॉन के लिए निकाल दीजिए, प्रोटॉन को कैसे हम बैलेंस कर सके या किसी और पार्टिकल को, बराबर ऐसे डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है बेटा? समझ आया है? अपवर्ड फोर्स कितना है बेटा? अपवर्ड फोर्स हो गया क्यू इंटू ई फोर्स है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो गया वेट, हो गया एम जी, ठीक है बेटा? निकालना तो ई है, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई क्यू। एम जी, एम कितना है बेटा? मास 10^-7, अगर इसको लेंगे हम 10 × 10, ठीक है बेटा, तो डिवाइडेड बाय 1.6 × 10^-19 ई है न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा? ये हो गया 10^-6, ई इज इक्वल टू 1 divided by 1.6 से हो गया मल्टीप्लाई 10^-6 × 10^+19 न्यूटन पर कूलम। इसको ऊपर लिया
इन दो को बेस सेम पावर ऐड किया, ये हो गया 19 और 6 कितना हो गया e इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 हो गया 0.625 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 13 न्यूटन पर कूलम e इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेज पावर 12 न्यूटन पर कूलम। एक डेसिमल बेटा इधर अंदर लिया तो न्यूटन पर कूलम, ये आ गया आंसर। और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, डायरेक्शन अपवर्ड्स, ठीक है बेटा। ऐसा न्यूमेरिकल कोई चाहे वाटर ड्रॉप चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन कोई भी, अगर आप लोगों ने डाउनवर्ड अंडर द वेट करना इसी तरीके से याद रख रहे हो बेटा, ये न्यूमेरिकल एज ए बेस है। आप देखो न्यूमेरिकल नंबर 3, इधर देख लीजिए बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे आप। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है बेटा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, इधर देख लीजिए बेटा हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 3 ये भी मैं दिखा रहा हूं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस 1 into 10 raised power minus 9 meter from a helium nucleus, देखो बेटा this is the numerical which you have to done। तो बाद में मैं आप लोगों को सेंड भी करूंगा, ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने पड़ेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 फ्रॉम ए हीलियम न्यूक्लियस। इधर देखो बेटा ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर 4 होता है। अच्छा हीलियम न्यूक्लियस से कितना दूर जाना है बेटा, मान लीजिए आर है डिस्टेंस, ये है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है और यहां पर दिया है। ये क्वेश्चन है हीलियम के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के कितनी दूरी पर है डिस्टेंस, आर की दूरी पर, पॉइंट पी है वहां पर बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ये हीलियम का न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन। देखो हियर, शाबाश बेटा बता सकते हो आर कितना है, 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर, ये है क्वेश्चन। अच्छा हीलियम का चार्ज, चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस, चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने टाइम्स ई चार्ज होता है, हो गया प्लस 2 टाइम्स ई, हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम, हो गया 3.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। हीलियम का चार्ज कितना है बेटा, क्यों कितना है, शाबाश बेटा 3.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम, ये भी नोट करके रखा हमने, ये भी आ गया हमारे पास, फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाली फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, वी नो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है बेटा, शाबाश, कितना है 9 × 10⁻¹। ये इसका वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो क्यू का वैल्यू, शाबाश, 3.2 × 10⁻¹⁹ अपॉन आर स्क्वायर 1 × 10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक है बेटा। याद रखा, आंसर कैलकुलेशन करने पर बेटा आएगा 28.8 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये बेटा कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा, ठीक है बेटा। दिस इज अनदर न्यूमेरिकल। देख लीजिए, एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बताता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 4। सारे न्यूमेरिकल्स बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सारे न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। जब ये वीडियो देखोगे तो साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करते जाइए। अब देखो, एक न्यूमेरिकल नंबर 4 मैं दिखाता हूं बेटा। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका एक चार्ज है −5 µC। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है बेटा, एक चार्ज −5 µC, दूसरा चार्ज +5 µC एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 mm। कितना है, 4 mm के डिस्टेंस से ये सेपरेट है। आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बेटा निकालना है, ये है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। डिस्टेंस सबको पता है, डिस्टेंस होती है 2L, ठीक है। P निकालना है, ये है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, चाहे इसका मैग्नीट्यूड चाहे इसका, हो गया 5 µC। 5 µ मीन्स 10⁻¹⁵ आ गया ये। तो 2L, 2L होगी इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, ये होती है 2L बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ 2 × L होती है। 2L है 4 mm, 4 mm का मतलब होता है, mm का मतलब 10⁻³ m। आगे डिस्टेंस भी निकालना क्या है, P, फॉर्मूला ये है, शाबाश बेटा फॉर्मूला। वी नो P किसके बराबर है, Q × 2L, Q भी है 2L भी, शाबाश बेटा। क्या आएगा, क्यों है 5 × 10⁻¹⁶ मल्टीप्लाई 4 × 10⁻³ कूलम मीटर, सी कैपिटल एम स्मॉल कूलम मीटर बोलते हैं इसको। 5 × 4 = 20 × 10⁻¹⁹ कूलम मीटर। ये आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये आ गया बेटा आंसर। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल्स है, आप लोगों को ऐसे ही करते रहना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं सारे फॉर्मुलाइज, यहां पर फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हो, कॉपियों पर लिखना है सब आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स खुद भी करने हैं तब जाके आएगा, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। तो बाकी नेक्स्ट टाइम।